दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर रौनक मिलती है एक ऐसे शहर की, जहां रुए दाद है गुजरे हुए जमाने के हर पहर की। जिस शहर की बुनियाद 1759 में गुलाम शाह कल्होड़ों ने रखी, कभी थी सिर्फ नरून कोट के नाम से मशहूर माही गीरों की एक बस्ती। जो शहर है दरियाए सिंध की ठंडी हवाओं की लपेट में आबाद, वो है सिंध का एक तारीखी शहर हैदराबाद। इस शहर के नाम का मतलब कुछ यूं लिया जाता है कि इसे हजरत अली के नाम हैदर से मंसूब किया जाता है। मौला वो मकाम के जिसकी ज्यारत के वास्ते हर वक्त यहां दुनिया खड़ी है, यहीं पर वो पाक मकाम कदम गाहे मौला अली है। तकसीम हिंद से पहले मिसाल थी इस शहर की खूबसूरती। कहा जाता है कि अर्क गुलाब से धोई जाती थी इसकी हर गली। पाकिस्तान की दो बड़ी शाहराहें गुजरती हैं इसी से हाथ मिलाकर, यानी इंडस और नेशनल हाईवे गुजर नहीं सकती आंख चुराकर। इस शहर को इल्मो अदब की दुनिया में खासी अहमियत दी गई है। तकसीम हिंद के बाद यहीं पर तो पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई है। यहाँ तारीख से जुड़ी एक से बढ़कर एक जगह है, जिसका सबूत यहाँ गुलाम शाह कल्होड़ों का तामीर करदा पक्का किला है, जिसमें आज भी है मुखी खानदान की यादों की हलचल। ये है वो 1920 में जेठ आनंद का तामीर करवाया मुखी महल। जिसे देखकर होता है सयाहों का दिल बाग बाग, वो है क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया रानी बाग। ये बाग इसलिए भी खूबसूरती का महवर है कि इसमें मौजूद एक चिड़िया घर भी है। तारीखी इलाके हीराबाद की कुशादा राह गुजर दिखाती है हैदराबाद का तारीखी घंटाघर। यहां होता है सोने चांदी मिट्टी के बर्तन और चमड़े की डिजाइनिंग का काम। यहाँ की चूड़ी मार्केट का तो है दुनिया भर में नाम। ज
जहां आज भी सिंध की कदीम तहजीब का जी भर के दीदार किया जाता है। इसी शहर में मौजूद इस यादगार जगह को सिंध म्यूजियम कहा जाता है। हैदराबाद मुख्तलिफ मजाहिब की है एक जीती जागती तस्वीर। यहाँ आज भी है कदीमी मसाजिद, चर्च और मंदिरों की तादाद कसीर। आज हमारे रूबरू हैदराबाद का वो चेहरा है जिसे जिद्दत के रंगों में ढले शॉपिंग मॉल्स, टावर्स और नए नए रास्तों ने घेरा है। यहां भी जिंदगी में राइज अब हर नया फैशन है। बजरिया रेल मुल्क भर से इस शहर को जोड़ता यहाँ का हैदराबाद जंक्शन है। यहाँ की सरजमीन पर उगने वाली मशहूर अजनास बाजरा, चावल, गंदुम, फल और है कपास। यहाँ के न्याज क्रिकेट स्टेडियम के बारे ये बात तारीख में लिखी गई है कि इसी मैदान में जलालुद्दीन ने वनडे में हैट्रिक की है। जहाँ हॉकी है दिलो जान से खेली जाती, रौनक जमाता है हैदराबाद का ये मैदान हॉकी। यहाँ के मकामी खानों में हलीम, रोस्ट मछली, दुल्हन पराठा, हलवा पूरी और हैदराबादी बिरयानी बहुत मशहूर है। यहाँ के मोतीचूर के लड्डू हर कोई खाता जरूर है। अब जिंदगी के बाकी सारे काम होंगे ये लड्डू खाने के बाद, तो फिर अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन आ जाइए हैदराबाद।